कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि नव संवत 2081 कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। आमतौर पर जन्मपत्री के जो नववर्ष के लिए जो प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं वो नववर्ष जनवरी के हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन हमारा संवत जो है जिसपे ज्योतिष आश्रित रहती है, अधीन रहती है, जहाँ से ज्योतिष को बनाया जाता है, कालगणना कैलकुलेट किया जाता है, वो भारतीय संवत ही है। जो महाराज विक्रमादित्य का संवत आजकल चलता है उसका 2081वां वर्ष अब आरंभ हो रहा है, जिसका नाम है कालयुक्त, और जो बताता है कि कौन सा ग्रह आधिपत्य रहने वाला है, कौन से ग्रह के बदलने के योग है, किस प्रकार की स्थिति है। आमतौर पर जनवरी के हिसाब से जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो तो कालगणनाओं को समझ के कोरिलेट करके करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर यदि हम समझें तो ये कालगणना ही बताती है कि ज्योतिष के प्रभाव को किस प्रकार से हम समझें, कैसे कालगणना को समझें, किस प्रकार के योग चल रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों बहुत विशेष तौर पर ये समझ लो तो ये आपके लिए जो काल आया है बहुत बढ़िया है। आपको सम्मान, सुख, आनंद, सफलता, तरक्की, ये सब चीज़ें देने के योग बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए इस बार जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है इस संवत में, वो ऐसा बन के आया है कि बृहस्पति महाराज खुलकर कार्य करने वाले हैं, और देवगुरु बृहस्पति महाराज जब खुल के काम करते हैं तो देखिए सब प्रकार से, और आपके तो सुख के भाव में इस 2081 में बृहस्पति बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं। अभी तक समस्या क्या थी, बृहस्पति महाराज लगातार पिछले 2-3 सालों से किसी ना किसी तरह से शनि या राहु के ग्रास में चल रहे थे। पहले शनि बृहस्पति गुरु चांडाल योग बना रहा पूरे वर्ष, इस वक्त बात करें पिछले वर्ष के अंदर, पिछले संवत के अनुसार से, उससे पहले बृहस्पति जो उससे शनि से दृष्ट चल रहे, शनि के साथ युक्ति चल रही थी, तो कहीं ना कहीं शनि बृहस्पति खुलकर काम ही नहीं कर पा रहे थे। उससे पहले राहु और उसके बीच में शनि के बीच में बृहस्पति फंस गए थे, तो ऐसी ओवरऑल जो स्थिति चल रही थी वो कहीं ना कहीं स्थिति खराब कर रही थी बृहस्पति की। इस वर्ष ये सुंदर तरीके से बृहस्पति उन तमाम चीज़ों से निकल कर पिछले 2 साल की उठापटक के 2-3 सालों की उठापटक के बाद अब बृहस्पति शुद्ध रूप से इस 2081 संवत में बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। देखिए ग्रहों का योगायोग ओवरऑल तरीके से देखें आप, शनि महाराज शुद्ध रूप से आपके लग्न में चलेंगे कुंभ राशि वालों के लिए, बृहस्पति महाराज शुद्ध होकर आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव से दशम भाव को देखेंगे, चतुर्थ सुख का भाव है, वाहन का भाव है, जमीन जायदाद मकान इत्यादि का भाव है, सुख प्रदान करने वाला है। दशम भाव सफलता देने वाला है, दशम भाव कार्य करने वाला है, दशम भाव सम्मान देने वाला है, दशम भाव नौकरी देने वाला है, तरक्की देने वाला है, सब प्रकार से सम्मान को बढ़ाने वाला है, पिता का स्थान माना जाता है, तो ये सब चीज़ों पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति महाराज की, और ये पूरी तरह से आपके लिए सुंदर रहेगा। और इस वर्ष तो ग्रहों का योगायोग यदि हम समझें तो इस वक्त और भी सुंदर बात यह है कि मंगल जो है वो राजा है इस संवत के। 8-9 अप्रैल को जब ये संवत आरंभ होगा तो उसके राजा रहेंगे मंगल। मंगल आपकी राशि के अनुसार से पुरुषार्थ के स्वामी है, और मंगल आपकी राशि के अनुसार से दशम भाव के सफलता के स्वामी है। राजा जब मंगल बन गए हैं तो इन दोनों भावों को आपको बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि के अनुसार से समझें तो आगे बढ़ने के योग प्राप्ति दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में शनि महाराज इस बार बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है कि शनि मंगल का टकराव चल रहा था उसी वर्ष के जब आरंभ होगा, तो उस दिन शनि मंगल का टकराव चल रहा होगा, सूर्य राहु की युति चल रही होगी, और यहाँ संवत के आरंभ में भी राजा और मंत्री जो है शनि मंगल हो गए हैं। राजा बन गए मंगल, शनि हो गए हैं मंत्री, तो दोनों विपरीत स्थिति के ग्रह, दोनों विपरीत स्वभाव के ग्रह, एक पाप ग्रह एक क्रूर ग्रह, आपस में मंत्रणा समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, आपस में विचार मिलेंगे नहीं, ये विचित्र विडंबना रहेगी पूरे विश्व के दृष्टिकोण से इस बार। यदि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें वो तो हम बताएंगे पूरे विश्व में क्या स्थिति चल रही है, वो तो आपके सामने भी है। इस मंगल युति का प्रभाव क्या है, मंगल शनि की युति का प्रभाव पूरे विश्व में क्या है, कहा जाता है कि अनहोनी का योग बनाते हैं, विस्फोटक योग बनाते हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति युद्ध की स्थिति देते हैं और टकराव की स्थिति देते हैं। लेकिन आपकी राशि के अनुसार से यदि हम समझें, यदि आप शांत रह के काम कर लें, आप यदि शांत होकर भाव से समझते हुए कार्य करें, क्योंकि बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएगा आपकी राशि के अंदर, 2 मई को बृहस्पति परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे, बीच में कुछ दिन के लिए वो अस्त होंगे, लेकिन पूरी तरह से यदि समझें तो बहुत सुंदर स्थिति बृहस्पति निर्माण करते दिखाई दे रहे हैं। शनि भी अपने में मस्त होकर काम करते दिखाई देंगे, और साथ साथ राहु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो एक जो समस्या है उसका आपको उपाय करना पड़ेगा।
उसका आपको इलाज लगातार ढूंढते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो आपकी किस्मत का हाल बड़ा विचित्र करेगा, कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब, वो ट्रांसफॉर्मेशन करता रहेगा। ऐसे में राहु को ठीक करने के लिए भगवान शिव का सानिध्य लें। हमारे ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि शिव के सानिध्य से राहु का दोष दूर हो जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का नित्यपति पूजा, नित्यपति उनको स्नान, यदि ये आप करते रहें पूरे वर्ष, तो हम समझ सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से उन्नति के योग बनाते के अच्छा अच्छा स्थान देता दिखाई दे रहा है। 2-3-4 सालों में जितना भी आपने जो ग्रहों की स्थिति आपने विचित्र देखी है, और आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से शनि की 7.5 आप पर चल ही रही है, तो ऐसे में 7.5 का उपाय भी करने की ज़रूरत है। मंगल राजा है तो हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए। कहा है ना कि जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे मंद महासुख हुई, और साथ साथ ये भी कहा गया है और देवता चित्तन धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही। तो हनुमान जी की नित्य प्रति आराधना इसको ध्यान रखते हुए कर ले, और हनुमान जी की आराधना से विशेष तौर पर क्या होगा, हनुमान जी शिव के अंशी हैं तो सब प्रकार से सब कष्टों को दूर करने का योग बनेगा, और खास तौर पर आपके ग्रहों की स्थिति हमको तो अच्छी दिखाई देती है और हम उसके अनुसार से आपके भविष्य फल को बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये संवत 2081 जो है वो आपके लिए बड़ा अच्छा होता दिखाई दे रहा। हाँ, विश्व के दृष्टिकोण से बड़ा प्रलयंकारी है, विस्फोटक है, टकराव वाली स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। आप देखिए रशिया और विशेष तौर पर अमेरिका की स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है, भारत में भी इस वक्त समस्याएं उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो विश्व के दृष्टिकोण से काल युक्त संवत जो है वो ठीक नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी बात करें, कुंभ राशि की बात करें, तो उनके लिए तरक्कीदायक है। एक और अच्छी बात यह है कि इस बार जो संवत का जो वास है वो वैश्य के घर में कहा जाता है, जो काल युक्त संवत है जो 2081 है वो वैश्य के युक्त में रहेगा, धन व्यापार के लिए बड़ी तरक्की देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो अपनी चाल से मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, लगातार ग्रहों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जो व्यक्ति देश काल परिस्थिति ग्रहों की युति को समझते हुए कार्य करता है उनके समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते हैं, और यही काम हमारा ये चैनल करता है। हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, समय समय पर काल देश की परिस्थिति ग्रहों की स्थिति आपको अवगत कराते रहते हैं, तो आप इन सब स्थितियों को समझते हुए यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। हमारे यहाँ नित्य प्रति बहुत सारे कार्यक्रम, यज्ञ का हर रोज 8 घंटे यज्ञ चलता है आश्रम पर, विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में बहुत बड़ा लक्ष्मी नगर क्षेत्र में आश्रम है, जो 19 करीब पिछले 50 सालों से आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर रहा है, योग के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव दीज महाराज ने 1960 के दशक में इस आश्रम की स्थापना करी, और यहाँ भगवती का बहुत सुंदर शिव विग्रह 1947 मुल्तान से आकर यहाँ शिव विग्रह विराजित है। आप भी आ सकते हैं उनका दर्शन करने के लिए। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है, और वह उनके सानिध्य में नित्य प्रति आश्रम पे आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को सामूहिक तौर पे सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं, और उस यज्ञ में बड़े बड़े बहुत सारे समय समय पर कार्यक्रम भी चलते रहते हैं आश्रम पे, और मंगलवार को हर मंगलवार को सुंदरकांड का सुंदर पाठ किया जाता है। आप भी सम्मिलित तौर पर उन सब कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। भारतीय संस्कृति के ऊपर, योग विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर आश्रम के द्वारा करीब करीब 50 से ऊपर किताबें पुस्तकें हमने प्रकाशित करने का प्रयास किया है, और उन सब पुस्तकों के माध्यम से हमने भारतीय पराविद्याओं के संबंध में अद्भुत जानकारी देने का प्रयास किया है। आप सब उनको अध्ययन कर सकते हैं। मुद्राओं के क्षेत्र में तो इतना जबरदस्त कार्य हमारे पूरा विश्व में जो पहुँचाया गया है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। सपोज किसी के कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर यहाँ बीच में लगा दीजिए, 3 मिनट में कान के दर्द से निजात दिलाने का सुंदर योग बना सकती है। यदि किसी को हार्ट की समस्या है तो ये मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है, मृत संजीवनी मुद्रा, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर या बीच में, और बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ लगा देने से चमत्कारी मृत संजीवनी मुद्रा बन जाती है। ये अद्भुत है, विद इन 3 सेकंड दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट एड टू द हार्ट पेशेंट। और अगर कोई पेशेंट है और लगातार इस मुद्रा का करे हार्ट डिसीज, तो आप माने धीरे धीरे हार्ट साउंड हो जाता है, और हृदयघात इस वक्त पूरे विश्व में बड़ी बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इस संबंध में भी बहुत सारी करीब करीब जो हमने पुस्तकें बताई आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई है। योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के ऊपर पूरा हॉस्पिटल संस्थान में बनाया गया है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, कार्य कर रहा है, भारत सरकार के पैनल पर है, और बहुत सारी अद्भुत बीमारियों, बहुत विचित्र बीमारियों के लिए, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर डिजीज के लिए, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो शुगर है, उन सब के ऊपर भी हमारे आश्रम पे सुंदर तरीके से इस हॉस्पिटल के द्वारा कार्य किया जाता है। विवेकानंद नेचर क्योर हॉस्पिटल योग आश्रम के नाम से ये संस्थान रजिस्टर्ड है, और आप सब उसमें सुविधा ले सकते हैं। गौशाला का, गौ सेवा का बहुत सुंदर कार्य किया जाता है। भंडारे इत्यादि का समय नित्य प्रति चलते ही रहते हैं भंडारे, तो आप सब भी हमारे इस आश्रम से जुड़े। और जन्मपत्री के संबंध में हमारा जो एक अद्भुत अध्ययन इस प्रकार से है कि आमतौर पर जन्मपत्री जो लोग देखते हैं उनका सिंपल एक बड़ा व्यवसाय हो गया है,
नक बेच दो, यंत्र बेच दो, कुछ और बेच दो, यानी बेचने वाला काम, ज्योतिष वास्तविक तौर पर कोई चीज बेचने, आपके शरीर के अंदर सब कुछ है। जैसे आपका शनि खराब है तो जरूरत ही नहीं कुछ नग पहनने की, केवल ये मुद्रा का अभ्यास करके आप मुद्रा हाथों के द्वारा बिना किसी खर्च करे हुए आप उपायों को कर आप अपनी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी की शनि खराब चल रहे हैं तो यदि पहली उंगली, बीच वाली उंगली शनि की उंगली होती है आमतौर पर, जानते होंगे, इसी के द्वारा यदि घटा बढ़ाकर कौन से ग्रह का कौन सा उपचार करना है वो आप कर सकते हैं। हम समय समय पर हम कई बार बताते भी हैं ज्योतिष के अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से। तो हमारा संस्थान अद्भुत रूप से भारतीय पराविद्याओं के संबंध में अद्भुत कार्य कर रहा है। आशा करते हैं आप आश्रम से जुड़ेंगे। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जन्म पत्रिका विश्लेषण सही से करने की आवश्यकता है। हम जो यहाँ पर आपको बताते हैं वो जनरल प्रेडिक्शन राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी जन्म पत्री क्या है, क्या योग लेकर आप पैदा हुए हैं। एक ही समय में बहुत लोग पैदा हो रहे हैं लेकिन क्षण क्षण मात्र पे वो परिवर्तन होता है, और उन परिवर्तनों को अच्छे से अध्ययन करके ये जन्मपत्री को समझने का प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप जुड़े हमारे संस्थान से, विवेकानंद आश्रम से, आपको लाभ होगा, जीवन परिवर्तन के योग बनेंगे। धन्यवाद।